संक्रमण विश्वभरी मेला में विषम परिस्थितियों में हम सभी लोग सुरक्षित फिर से हजारीबाग आए हैं अपने लक्ष्य को लेकर के। एक यात्रा यहाँ हम लोग प्रारंभ किए थे हजारीबाग, जो हजारों युवाओं का टकसाल है, खदान जिसको कह लीजिए वो हजारीबाग है, और विभिन्न गांवों से लोग यहाँ रहते हैं। हजारीबाग उत्तरी छोटानपुर का प्रमंडल का मुख्यालय भी है, जहाँ आयुक्त बैठते हैं, और उस भूमि पर जहाँ आपका कोडरमा, गिरडी, चतरा, इधर बगल में पड़ोसी कुछ प्रखंड रामगढ़ का आता है, कुछ आपका जो बोकारो का कुछ हिस्सा सटा हुआ है, धनबाद का कुछ हिस्सा सटा हुआ है, कई जिलों के लोग यहाँ रहते हैं और कई गांवों के लोग हैं। और वैसे इस पावन भूमि पर हम लोगों का एक दिव्य संकल्प था कि इन युवाओं को एक मोटिवेशन दिया जाए कि वो अपनी प्रतिभा को जीवंत कैसे करें, अपनी प्रतिभा का सुनियोजन कैसे करें। और प्रतिभा की शुरुआत होती है मित्रों यहीं से, सबसे पहले जब हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा के प्रति जागरूक हो जाते हैं, स्वास्थ्य हम कैसे मेंटेन करें। स्पिरिचुअल साइंस कहता है बी एंड मेक। हम गायत्री परिवार के लोग इस मंच के माध्यम से जो बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, जिसका प्रयोग स्वामी विवेकानंद ने किया था बी एंड मेक, और आज भी अध्यात्म जगत में कोई रोल मॉडल है तो स्वामी विवेकानंद है। जैसे प्रकाश की जरूरत हो लोग तो सूर्य की ओर देखते हैं, उसी तरीके से अध्यात्म जगत का कोई रियल हीरो है वर्तमान समय में तो योद्धा संन्यासी स्वामी विवेकानंद, और उसी की दिव्य परंपरा को हम गायत्री परिवार के लोग आगे लेकर जा रहे हैं, उसको और थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके और लेबोरेटरी में वैज्ञानिक प्रयोगशाला, हमारा जो मिशन है गायत्री परिवार का, उसके पास अपनी वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जहाँ अध्यात्म पर रिसर्च हो रहा है, जहाँ वेद के सूत्रों पर रिसर्च हो रहा है, जहाँ संख की ध्वनि पर रिसर्च हो रहा है, जहाँ दिव्य जड़ी बूटियों पर रिसर्च हो रहा है। कोरोना काल में काढ़ा का महत्व पूरी दुनिया ने जाना, तुलसी के महत्व को, गिलोय के, एलोवेरा के महत्व को पूरी दुनिया ने जाना, काली मिर्च हल्दी हमारे लिए कितना गुणकारी है इसको पूरी दुनिया ने जाना। ये हमारे सभी हमारे सेंटर पर रिसर्च हो रहा है, दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग, योग, प्राणायाम। हम प्राण तो हमारे पास है लेकिन हम प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राण शक्ति का संवर्धन कैसे कर सकते हैं ये हमारे लैब में सिद्ध करके दिखाया गया। मेडिटेशन करने से हमारे शरीर में कैसे हमारे सेल को गजब का परिवर्तन करता है, परिवर्तित कर देता है एक अच्छा पॉजिटिव दिशा में। ध्यान के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी खपत कम हो जाती है, कितना हमारा जो सांस की गति है, कहते हैं जो आदमी जितना अधिक बार सांस लेता है उसकी आयु उतनी कम मानी जाती है, जितना कम लेता है उसकी आयु उतनी लंबी मानी जाती है। तो ध्यान के माध्यम से हम सांस का वो गति को कैसे कम कर सकते हैं, ये सारा आप जब 20 मिनट तक लगातार मेडिटेशन करेंगे तो इसको आप प्रयोग करके देख सकते हैं। इसका सारा पहले वहाँ कई मशीन के द्वारा मापा जाता है धड़कन की गति को, सांस की गति को, और फिर आप 9 दिन तक वहाँ शिविर करने के बाद क्या प्रतिभा आपको अंतर आया फिर मशीन में जांच किया जाता है। अब ऐसा जांच तो आपके हजारीबाग में भी लैब संभव, जगह जगह पर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा ध्यान करने के पूर्व कितना था और ध्यान करने के बाद कितना बढ़ गया आप ध्यान के माध्यम से देख सकते हैं। इसलिए ये एकदम साइंटिफिक रीजन है और इस साइंटिफिक प्रयोग को हम लोग पहले गांव स्तर पर कर रहे थे, लेकिन जो भारत का भविष्य है, जिनके कंधों पर भारत का एक दायित्व आने वाला है हर सेक्टर में, वो भारतीय युवा। भारतीय युवा कैसे युवा, जो तन से, मन से, विचारों से जो स्वस्थ होगा। मेडिकल साइंस से WHO के शब्दों में फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो आज फिजिकल और मेंटल रूप से सभी लोग अपने आप को स्वस्थ करना चाहते हैं लेकिन स्पिरिचुअल साइंस के अभाव में स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। आज सुशील की कमी ओलंपिक में खला, लेकिन भारत एक ऐसी टकसाल की भूमि है, अगर वो शायद स्पिरिचुअल साइंस से जुड़े रहते तो उनसे ये गलती नहीं हुई रहती। इतनी बड़ी विलक्षण प्रतिभा, इतने बड़े पहलवान, और आज उनको जेलों की चक्की पीस रहे हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में, कल हम किसी क्षेत्र में जाएंगे, किसी सेक्टर में जाएंगे, लेकिन यदि हम कुछ भी बन जाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, दारोगा, जिस भी क्षेत्र में जाएं, लेकिन अगर अच्छा इंसान नहीं बन पाएंगे तो उस पद पर भी हमारा कोई वजूद नहीं होगा, हमें आत्मशांति नहीं मिल सकती है, हम एक अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो युवा प्रकोष्ठ विद्यार्थियों के लिए समर्पित मंच, जो हम बहुत सोच विचार करके फरवरी 21 को पहला कार्यक्रम यहाँ किए थे, उसके पहले कई बार हॉस्टल में जनसंपर्क चला और वहाँ से ये कार्यक्रम आगे बढ़ी, फिर
नौवां सप्ताह के बाद कोविड आ गया, दसवां सप्ताह से हमने ऑनलाइन कार्यक्रम को शुरू किया, उसमें भी 40-50 युवा हर सप्ताह जुड़ते रहे और आज ये हमारा सिल्वर संडे है, सिल्वर संडे सप्ताह, सिल्वर जुबली तो 25 वर्षों में मनाया जाता है लेकिन ये 25वां सप्ताह है मेरा। आज इस 25वां सप्ताह में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और केवल हम ही उपस्थित नहीं होंगे, ये कार्यक्रम ये भी एक कहिए कि उसका आगाज हुआ है, अंजाम इसका बहुत उज्ज्वल होने वाला है। इस कार्यक्रम में आपके उपायुक्त SDM साहब, ऐसे IS IPS, अभी सेंट्रल जेल के जो जेलर हैं श्रीकांत सर, उनसे भी हमारी वार्ता हुई है फोन के माध्यम से, वो भी बच्चों के बीच, अब उनका रिटायरमेंट होने में 1.5-2 साल बाकी है, तो वो उनका अभी इच्छा है कि आपके विद्यार्थी के बीच हम आके मोटिवेशन दें। तो ऐसे ऐसे प्रतिभा को बुलाएंगे जिनने जीवन की शुरुआत एक साधारण तरीके से किया और सफलता की मंजिल को छुआ, लेकिन कौन युवा जिसके अंदर जोश के साथ होश भी हो। सुशील के पास जोश था लेकिन होश नहीं था। ये मेडिटेशन और स्पिरिचुअल साइंस से आपके अंदर पैदा किया जा सकता है। और जिस गायत्री मंत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं, ये भारतीय अध्यात्म की मास्टर चाबी है, एक ऐसी चाबी है जिसके बिना भारतीय युवाओं के बंद कल के ताला को खोला नहीं जा सकता है। आज युवाओं का ताला बंद है अकल का, और इसलिए वह लक्ष्यविहीन होकर अपने जीवन को भटका रहे हैं व्यसनों में, फैशन में, व्यसन में। अरे भाई, इसमें कितना फेसियल कराएंगे शरीर को, ये शरीर का पंजर अगर देखते हैं इस खोल के नीचे, तुम्हारे रिश्तों ने रिसर्च किया है तो ये मांसपीड हड्डियों का ढेर, गंदगियों का ढेर है। इसमें एक लेमिनेशन परमात्मा ने दिया है, वो थोड़ा सा किन्हीं का सफेद है, किन्हीं का थोड़ा गोरा है, किन्हीं का काला है, लेकिन है तो चमड़ी। लेकिन इसके अंदर का जो असली चीज है वो है रूहानी ताकत, जिसको कहते हैं डिवाइन लाइट, कहिए कि अंग्रेजों की भाषा में, और जिसको वेदों की भाषा में कहा दिव्य प्रकाश, कुरान की भाषा में जिसको रूहानी ताकत कहा गया। ऐसी ताकत खुद ही को कर इतना बुलंद बंदे कि खुदा हर बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। आज और महापुरुषों की बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय अध्यात्म के उन महापुरुषों को देखिए जो आजादी के आंदोलन के समय आए और उसके पहले थोड़ा सा भक्ति काल में आए, जो संतों की श्रृंखला आई हिंदुस्तान को, ये तीन लोग सजाया है, संत, शहीद और सुधारक, ये तीन भारत की पहचान है। हमारे देश की पहचान को IS से नहीं होती है, वो IPS से नहीं होती है। किसी IS IPS का कहीं नहीं देखेंगे कि आप हमारे किसी विद्यालय प्रांगण में उनका चित्र लगा हुआ है। किनका लगा हुआ है? भगत सिंह का लगा हुआ है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का लगा हुआ है, ऐसे महापुरुषों का लगा हुआ है, स्वामीनाथन सरस्वती जी का लगा हुआ है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लगा हुआ है। राष्ट्रपति तो कई बने लेकिन उनकी प्रतिमा को इतना स्थान क्यों दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल साइंस को अपने जीवन में धारण किया और रामेश्वर से निकल करके भूतपूर्व राष्ट्रपति के रूप में, जिनकी गणना नहीं होती, अभूतपूर्व राष्ट्रपति के रूप में, जो पूरी दुनिया में जिनके मृत्यु के बाद UNO यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में परिणत किया, पहला राष्ट्रपति देश का। इसलिए हम लोगों को एक छोटा सा संकल्प लेना होगा, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। और कामयाबी की शुरुआत कहां से होगी? तो आप लोगों से सिर्फ आज एक छोटे से सत्र में कुछ ही क्षणों में एकमात्र निवेदन ये करेंगे कि अभी तो यहाँ बरसात का दिन आ गया, हॉल नव निर्मित है, विद्यालय प्रबंधन हम लोगों के इस कार्यक्रम के साथ पूरी तरीके से समर्पित हैं। अभी हम लोगों की कोडरमा की माननीय सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो एजुकेशन मिनिस्टर बनी है केंद्र में, उनका भी कार्यक्रम, हमसे बात उनकी हुई है, तो वो हॉल तब तक निर्मित हो जाएगा, स्पेस थोड़ा हो जाए और अधिक से अधिक युवा की, कम से कम 500 युवा का हम लोग टारगेट लिए हैं, पूरी भीड़ को नहीं, पूरी भीड़ कहीं किसी कार्यक्रम में नहीं जुड़ता है, लेकिन अगर 500 युवा को हम लोग पकड़ लेंगे, 500 युवा की बराबर उपस्थिति दी हमारी उस हॉल की उपस्थिति है, टारगेट 700-750 लड़का बैठ सकते हैं एक सत्र में। लेकिन इसके लिए सिर्फ हम 130 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं एक छोटे से गांव से, और आप लोगों का भी सहयोग नहीं मिलेगा तो हमारा समय भी, हमारा जो किराया खर्च होता है सो भी, ये सब कुछ बर्बाद चला जाएगा। इसलिए हम होंगे कामयाब, मतलब केवल हम नहीं, अब कोई आदमी है चतरा का है, कोई कोडरमा का है, कोई गिरिडीह का है, बहुत लोगों का मन होगा कि भाई आप तो छात्र एसोसिएशन बनाना चाहते हैं क्या, कोई चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा है, ऐसा हम लोगों का कोई मन सा, भाई हम लोग कोई MP MLA का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि कोई निश्चित जगह का तो लड़का यहाँ है नहीं, एक चतरा का, एक कोडरमा का, एक रामगढ़ का, एक हजारीबाग का है, तो कहां से आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा एकमात्र मकसद है, हम लोग बिना पद का, भले विवेकानंद को कोई पद नहीं मिला, भगत सिंह को कोई पद नहीं मिला, लेकिन वो बिना पद का भी ऐसा वजूद है इस देश के अंदर
उनके सामने चाहे राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो, उन विलक्षण प्रतिभा के सामने उनका स्थान सेकेंडरी है। हमारा स्थान क्या है, उन महापुरुषों के बल पर हमारे देश की पहचान होती है। इसलिए हम पुरुष हैं जरूर, लेकिन अपने अंदर अगर महानता के गुण को पैदा कर सकें तो कल हम किसी भी पद पर रहेंगे तो हमारा एबिलिटी, हमारा क्षमता, हमारी महानता लोगों के सामने स्वयं छन करके आ जाएगा। अरे बच्चियों ने थोड़ा सा कहिए कि अपनी रिजल्ट को लेकर के प्रदर्शन किया धनबाद में, लेकिन वहां के तत्कालीन SDM जो उनके साथ जो बुरा बर्ताव किया ये कहीं से न्यायप्रिय नहीं था। उनको समझा सकते थे, उनको थोड़ा सा मतलब के समझा बुझा करके उनके संगत को तोड़ा जा सकता था, वार्ता के माध्यम से भी समझाया जा सकता था, लेकिन उनके साथ जो आप लोगों ने देखा तो क्यों, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस का भाव। हाँ, पुलिस के डंडा का भी प्रयोग करती है, ऐसा जरूरत पड़ता है, लेकिन हर जगह डंडा का जरूरत नहीं है। तो इसलिए मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति झंडा और डंडा, माला और भाला, स्वाद और स्वास्थ्य, मस्तिष्क और विवेक, जोश और होश, यह दोनों के बीच संतुलन पैदा करता है। हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करते हैं। अगर इस मोबाइल से चिप निकाल दीजिए, सिम कार्ड निकाल दीजिए, तो फिर मोबाइल और चिप दोनों जब अलग हो जाए तो दोनों अलग अलग में दोनों की कोई कीमत नहीं। ये दोनों जब साथ हो जाएं, मोबाइल भी हमारा ठीक हो और उसमें उसका मेमोरी भी कहिए सिम कार्ड भी हो, दोनों का जब आपस में ताल और सेटिंग होता है तब बात बनती है। उसी तरीके से हम अमर आत्मा भी हैं और शारीरिक रूप से हम कहिए कि रूपेश हैं, हम आनंद हैं, हम सुरेश हैं, हम महेश हैं, हम गणेश हैं। तो भाई दोनों के बीच हमारा एक तारतम्य होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, और उसी संतुलन को स्थापित करने के लिए हम लोग हजारीबाग में ये झंडा को 2021 से 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य का राह दे करके, सपना दे करके हम लोग इसको प्रारंभ किए हैं। आप लोग ये मन में गांठ विश्वास बना लीजिए कि यहाँ आने वाले सप्ताह में संडे में एक घंटा, सिर्फ एक घंटा, सप्ताह में एक घंटा का इस समय आप तन मन से देते हैं तो आप निश्चित रूप से एक सप्ताह के लिए आप रिचार्ज हो जाएंगे, आपके माइंड का वायरस दूर हो जाएगा, पढ़ाई में आपको अच्छी तरीके से मन लगेगा, आप गलत चीज़ों में, आज युवा लोगों के क्या है कहते हैं फिजिकल मेंटल, मेंटल तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब, फिजिकल रूप से अगर हम स्वस्थ दिख रहा है भी शरीर की सुंदरता, लेकिन मानसिक रूप से इतना हम डिस्टर्ब हैं, खोखला हैं कि हमको रात में नींद नहीं आती है, हमको पोर्न वीडियो देखना पड़ रहा है। आज देख लीजिए बॉलीवुड का सितारा शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की हालत क्या है, उन लोग अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, सेलिब्रेट इतना करना चाहते हैं कि हम ही दुनिया का सिकंदर हो जाएं, और उसके लिए एक तो वो वानगी है केवल, एक तो वो सामने पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो इसका सबसे बड़ा बिग बाजार कौन बना है, बिग बाजार जो मॉल बना है वह युवा लाइफ। आज जितने श्रृंगार के साधन हैं, जितने एडवर्टाइज के जो बाजार हैं, गुटखा वालों का बाजार है, सिगरेट वालों का बाजार है, सिनेमा वालों का बाजार है, शराब वालों का बाजार है, ये भोले बाबा के नाम पर बोला बाबा बाबा पीते हैं हमारे देश में तो हम क्यों नहीं पियेंगे, तो कहे युवा साथियों बाबा ने तो जहर भी पिया था, थोड़ा सा ट्राई करके एक दिन देख लो जहर पी करके, देखो क्या होता है। अरे भाई उनके पास ऐसा स्पिरिचुअल साइंस थी, उनकी रूहानी ताकत इतनी मजबूत थी कि उनने पिया नहीं, मनुज दुग्ध से दनुज रुधिर से और देव सुधा से जीते हैं, किंतु हलाहल विष का प्याला शिव शंकर ही पीते नहीं है, बल्कि उनको ऐसा चिप की तरीके से सेट कर लिया कंठ में और वो नील कंठ वाला है, उनका पेट में नहीं गया ध्यान कि हम ऐसा हमारे पास एबिलिटी है जो किसी जगह पर उसको रख ले। लेकिन आज युवा लोगों का बाजार है, युवा लोग ही ये सारे गलत करने वालों का ये बिग बाजार और मॉल बना हुआ है, इसको कौन समाप्त करेगा, इनके इस कारनामे को, इनकी हस्तियों को मिट्टी पलीद कौन करेगा, तो जीवंत तो जागृत युवा, स्पिरिचुअल साइंस के साथ चलने वाला युवा, ये युवा जब आगे आएंगे हजारों की संख्या में आएंगे, हमको लाभ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, अपन बहुत दूसरे साथियों को शेयर करेंगे, एक साथी आ जाएं अगले सप्ताह, एक साथी दो साथी को और लेकर के आएंगे, तो इनसे हमारा एक माहौल बनेगा। और जैसे अलग अलग छात्र संगठन का एक पहचान है हजारीबाग में, उसी तरीके से प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग की एक मजबूत पहचान बनेगी और हर जगह एक आदर्श युवा के रूप में, एक आइडियल युवा के रूप में, एक कहिए कि समझदार युवा के रूप में, एक स्वस्थ युवा और शालीन युवा के रूप में, एक सेवाभाव युवा के रूप में आप कहीं भी जा सकेंगे। अभी जो PYP पटना में जो हम लोग का 25 साल से इस तरह का कार्यक्रम चल रहा था, एक गौरव कुमार हैं, उनने अभी फर्स्ट एग्जाम में ही PT, मेंस और इंटरव्यू, आपका कहिए कि BPSC में उनका फाइनल हो गया,
वो कहिए सप्लाई इंस्पेक्टर बने, और उन्हें कहा क्या कि मैं पिट्टी भी मैंने पास किया, पिट्टी के बाद मैंने मेंस भी पास किया, पिट्टी और मेंस क्या है, पिट्टी में आप 60 नंबर ले आइए, कहिए कि आप पिट्टी निकाल लिए। फिर मेंस क्या है, मेंस में जो आप जा रहे हैं सिविल सर्विस में आपका दृष्टिकोण क्या है, उसमें आपको रिटर्न देना होता है। दृष्टिकोण सबसे पहले स्थिर बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। तो भाई दृष्टिकोण क्या है आपका, यह दृष्टिकोण कहां से पॉजिटिव दृष्टिकोण आपके अंदर पैदा होगा, इन चीजों को देखना होगा आप लोगों को। और तीसरा इंटरव्यू क्या है, जो दृष्टिकोण है उसको आप समाज में फेस कैसे करेंगे। अब पिट्टी मेंस पास कर गया उसके बाद लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। और गौरव कुमार बोला कि हम पटना युवा प्रकोष्ठ से जुड़ा होने के कारण हम पहले से गरीब बच्चों को वहां पढ़ाया जाता है, रोज एक घंटा एक डेढ़ घंटे की क्लास रोज चलती है, रेलवे प्लेटफार्म झुग्गी झोपड़ियों के बीच में स्लम एरिया में, इस तरह जहां भी जगह है 10-20 बच्चा को बैठने का, वहीं पटना युवा प्रकोष्ठ में जो तैयारी करने गए हैं जनरल कंपटीशन जेपीएससी बीपीएससी, उनको कहा गया है कि भाई आप एक घंटा रोज अगर सेलिब्रेट करते हैं उन समाज के अंतिम बच्चों के लिए जिनको देखने वाला कोई नहीं, अगर वहां आप उनके गार्जियन से मिलते हैं 10-20 बच्चा के बीच आप समय और पसीना बहा रहे हैं तो आपका हेजिटेशन स्वयं समाप्त हो जाएगा। इंटरव्यू में गए गौरव बोला जब मैंने अपनी बात शुरू किया तो वहां संबंधित अधिकारी वो सारे लोग हमारी तरफ मुकातिब हो गए, हम ही केंद्र बन गए, हम ही वहां आए सो अपना थॉट्स देना शुरू किया, और उनको फिर कौन छांट सकता था जिनके पास मान लीजिए 5-7 साल का अनुभव था समाज में काम करने का। तब हम पिट्टी मेंस करते हैं तब सोचते हैं कि कौन सा काम करें जिससे हमारा एजिटेशन दूर हो, क्यों नहीं अभी से हम लोग एक सेवा का व्रत ले लें कि हम जिस हजारीबाग में रह रहे हैं हमारे अगल बगल भी हम बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, इस तरह का भी एक प्रयोग हम लोग यहाँ शुरू करने वाले थे। 5-6 जगह में हम लोग मटवारी वो देवांगना आपका कोर्रा चौक हो गया ऐसे अगल बगल में हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं, 5-6 सेंटर यहाँ स्थापित करेंगे जिसमें आधा घंटा ही सही हमारे जो सेवाभावी युवा कि भाई हम आधा घंटा का समय इन गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क रूप से हम देंगे, तो उन युवाओं को हम लोग वहाँ एडजस्ट करेंगे। वहाँ ना तो कोई आपको फीस लेनी है ना तो हम फीस दे सकेंगे, लेकिन उससे आपका हेजिटेशन इतना आधा घंटा दिया आप अच्छा काम करके आएंगे तो इतना आत्मसंतोष मिलेगा। और जो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बहुत अच्छा आनंद जी एक वीडियो बनाए हैं, लोग कहते हैं 12-14 घंटा पढ़ते हैं, वो पढ़ते नहीं है बल्कि वो समय काटते हैं, दिन काटते हैं। अगर हम 7-8 घंटा भी अगर मन से पढ़ाई कर सकें प्रतिदिन और एक्सेप्ट करना शुरू कर दें हमारी मेमोरी तो हम कामयाब युवा की सूची में जाकर शामिल हो जाएंगे। इसलिए आज के सत्र में ज्यादा कथा कहानी को नहीं बढ़ाते हुए ये कार्यक्रम सिर्फ आप लोगों के लिए समर्पित है, आपके जीवन उत्थान के लिए समर्पित है। आने वाले दिनों में जब आज कह रहे कि मेडल लाया चाइना ओलंपिक से लेकर सारा कुछ में से लेकर अमेरिका, लेकिन भारत भी कुछ समय से अपना जो पहचान बनाना शुरू किया है, बहुत सारे कुछ बच्चियों ने तो बहनें थोड़ी सी के चूक के कारण बेचारी फिसल गई, हमारे पुरुष ओलंपिक ने उसमें कहिए कि ब्रॉन्ज मेडल लिया बहुत ही विलक्षण तरीके से एक गोल के कारण, और इस तरीके से सारे लोगों ने अपना अपना लक्ष्य निर्धारित किया। हम केवल किताब के पन्नों में नौकरी छोड़ रहे हैं, बहुत सारा सेक्टर है लेकिन उस सेक्टर को पाने के लिए हमको उस तरह हरियाणा पंजाब के युवाओं की तरफ परिश्रमी में बनना पड़ेगा। वहाँ के युवा हैं अधिकतर लोग अभी भी उनका नाता रिश्ता खेती किसानी से, लोग स्ट्रगल करते हैं, गाय का शुद्ध घी खाते हैं। अभी क्या हुआ, नीरज चोपड़ा के बारे में बोला कि हमको वो कोच बोला कि हल्का खाना खाना है, तो उनकी बहन बताई कि कभी वो तो नॉन वेज तो खाया ही नहीं, प्रतिदिन वो हल्का खाना क्या उसका रोटी बना हुई रोटी को मसल देते थे, मुर्रा जैसा गुड़ा बना देते थे, उसमें 1-2 चम्मच शुद्ध गाय का घी डाल देते, थोड़ा गुड़ डाल देते थे, वही थोड़ा हल्का खाते हुए निकल जाता था, स्ट्रगल करता था। बोला 15 साल की उम्र में उसका एज कितना हो गया था, 80 किलो वजन हो गया था उसका शरीर का वेट, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाला तो आज देखिए 23 वर्ष में विश्व स्तर की प्रतिभा बन गई, पैसों की बरसात परसो रही है। लेकिन वो भी अगर भटक गया रहता आई लव यू में इधर उधर सेलिब्रेट करता, तो युवाओं के अंदर बहुत सारी भटकन है अटकन है और बहुत सारे लोग जाल में फंसाने वाले मिल जाते हैं। और जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जब हम ये किसी काम का नहीं रहते हैं, तो फिर जो आज हमसे हमारे साथ कह रहा आई लव यू कल फिर दूसरे के साथ कहता आई लव, उसको फिर से स्वस्थ युवा मिल जाता है। आप रद्दी टोकरी में टले जाते हैं, आप हम लोग किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इसलिए दुनिया ये महफिल मेरे किसी काम की नहीं, काम की क्या है, हमारा लक्ष्य, हमारी पढ़ाई, हमारी मेहनत, हमारा लगन, हमारा परिश्रम, हमारा स्ट्रगल, हमारा साहस,
और स्पिरिचुअल साइंस इस दिव्य गुणों को उसी तरह आप में लबालब भर देगा जिस तरह राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी को जब तेल में गर्म करके अच्छी तरह पका करके और जब चाशनी में डुबोया जाता है तो उसमें लबालब रस भर जाता है। आज लबालब नीरज चोपड़ा में रस भर गया, आज लबालब उस आसाम की बहन मीराबाई चानू में भर गया, सिल्वर मेडल लेकर के आई। 16 वर्ष से स्ट्रगल करना शुरू की वो, और वो आर्य समाज के मंदिर में रहती थी। उनकी प्रतिभा को शायद आप जानते कि नहीं, वो रात में रुकने का जगह नहीं था। आर्य समाज का मंदिर में एक छत था, बगल वाला छत खाली था, उसमें वो कहिए डाला गया था एंगल, लेकिन उसमें शटर नहीं डाला गया था। वो पंडित जी बोले साधु जी की इसमें रह लो बेटी, जगह तो मेरे पास नहीं, एक कमरा है, उसी में रह गई। पानी टपटपाने लगा रात में, तो रात में ही मीराबाई चौनी 15 साल 14 साल की उम्र में पूरा एल्बेस्टर रात में अपने ही ढक करके रात भर में उसको कंप्लीट कर दी। सुबह जब देखा साधु प्रभावित हुआ, और वो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी का लिखा हुआ है, अवश्य पढ़ना चाहिए। और वहीं से उसके जीवन में नया मोड़ मिला। जहां भी जाती थी अपने देश का चावल लेकर जाती थी, किसी होटल में नहीं खाई आज तक, वो अपना भात पका करके वो खाती थी। अमेरिका राष्ट्रपति उससे प्रभावित हुआ, बोला ये अपनी थाली में, पुरानी थाली में, बोला वो किसी होटल में नहीं खाती है। और कितना स्टेमिना जगा एक लड़की में 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में इतना बड़ा कमाल कर दी हम लोगों के बीच में। इसलिए उदाहरण की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग रील वाला हीरो के चक्कर में पड़ गए। रील वाला हीरो, रील वाला क्या कहता है, बोला कैसे कपड़ा उतारना चाहिए। रील वाला हीरो क्या सिखाया, कैसे सिगरेट पीना चाहिए। रील वाला हीरो क्या सिखाया, हमारे रियल गुणों को पूरी तरह से चौपट करके रख दिया। इसलिए भारत है देश सबकी, भारत एक ऐसा विलक्षण देश है जहां संत है, जहां शहीद है, जहां सुधारक हैं, ऐसे ऐसे सेलिब्रेट हैं, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे ऐसे सफल व्यक्तित्व हैं। वो रियल हीरो को यदि अपना आइडियल मानना शुरू कर देंगे और 20 मिनट का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप शुरू कर देंगे, और सप्ताह में एक घंटा 4 बजने से 5 मिनट पहले आप लोग एक साथी, कम से कम 2-3 साथी को लेकर आए, ऐसे धीरे धीरे प्रचार बढ़ता चला जाएगा। आइए इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। ओम सब।